A&A क्रिएटिव वर्ल्ड में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो आज हम दोस्तों आपको पेपर क्राफ्ट का एक बहुत ही सुंदर नमूना बना के दिखाएंगे, जिससे आप डेकोरेशन का काम ले सकते हो और मल्टीपर्पज़ काम है ये, इसको एंटी स्ट्रेस भी बोल सकते हो। तो स्वागत है A&A क्रिएटिव वर्ल्ड में। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें कलर्ड A4 शीट चाहिए, चाहे आप वाइट भी ले सकते हो या कलर्ड ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। ये हमने थोड़ा सा हार्ड पेपर लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हो। तो उसके लिए हमें लेंथ की तरफ से हमें इसको हाफ में फोल्ड करना होगा, जैसे हमने ये किया है, और कॉर्नर बिल्कुल अच्छे से मिलने चाहिए। और फिर उसके बाद हम इसको एक और फोल्ड करेंगे, ये सेकंड फोल्ड हो गया, और बड़े अच्छे से मिला लेंगे कॉर्नर, ताकि ये एक जैसे ही हिस्से हमें मिल जाएं। हमें एक्चुअल में ये चार हिस्से चाहिए, मतलब कि हमें चार स्ट्रिप्स चाहिए इसकी एक जैसी, इसलिए हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। ये देखिए हमारे पास ये चार स्ट्रिप्स आ गई हैं। अब हम इसको काटेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो चलिए अलग कर लेते हैं, कैंची की मदद से हमने अलग कर लिया है, और ये चार स्ट्रिप एक जैसी हमें मिल चुकी हैं। अब हम इसको लंबा करेंगे, एक दूसरे में जोड़ लेंगे। ग्लू स्टिक की मदद ले रहे हैं यहाँ पे हम, आप जैसा अच्छा समझो वैसे इसको जोड़ सकते हो, फेविकोल ले सकते हो या कोई गम ले सकते हो, लेकिन हाँ यहाँ पे टेप का यूज़ मत करें, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी और देखने में ये सही नहीं लगेगा। तो यहाँ पे गम वगैरह ही यूज़ करें और अच्छे से इनको जोड़ लें। ये हम फटाफट से कर रहे हैं, आप ज़रा ध्यान से कर सकते हो ताकि अच्छा बने। और ये अच्छे से जब जुड़ जाएगा, सूख जाएगा, तो उसके बाद हम आगे का इसको तैयार करेंगे। इसके लिए हमें इसका एक कॉर्नर जो है रख के उसको थोड़ा सा आगे से पतला करना है, मतलब कि उसकी जो चौड़ाई है उसको थोड़ा कम करना है, ताकि जो हमारा डिज़ाइन बनेगा छोटा हो जाए, अंदर घूम के जब आएगा वो तो सही लगेगा। तो हम दोनों तरफ से इसको एक जैसा छोड़ लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रखना चाहते हो यहाँ पे। तो वहाँ आप निशान लगा लें, सेंटर में एक पट्टी हमें चाहिए। दोनों तरफ से हम थोड़ा सा तिरछा इसको, ऐसे जैसे हमने ये स्केल रखा है वैसे निशान लगा के काट देंगे यहाँ से, और दूसरी तरफ से भी वैसे ही रखेंगे, थोड़ा सा तिरछा रहेगा, मतलब कि हमारी जो पट्टी है वो धीरे धीरे कम चौड़ी होती जाएगी। तो ये ऐसे यहाँ पे निशान लगा लेंगे, और इसके बाद हम इसको काट लेंगे यहाँ से, कैंची की मदद से हम इसको काट रहे हैं। एक यहाँ पे और आपको मैं बात क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सारे इसको फोल्ड करने हैं। तो अगर ज़्यादा हार्ड होगा पेपर तो दिक्कत आएगी, हमें सिर्फ जो है मीडियम सा चाहिए, या आप नॉर्मल पेपर भी ले सकते हो। जो हमें A4 शीट मिलती है वो थोड़ी सी मीडियम सी होती है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती, तो अच्छी रहती है। तो ऐसा कुछ हमें ऐसी जो है शेप चाहिए, ये हम इसको ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे, जैसे आप देख पा रहे हो, ऐसे हाफ में 45 डिग्री पे ये फोल्ड हो जाएगा। और फिर इसको दूसरी तरफ से हम फोल्ड करेंगे बिल्कुल ऐसे ही, और फिर इसको हम अच्छे से दबा लेंगे, सेट कर लेंगे, और फिर हम उल्टा इसको, पहले हमने इधर को किया था, अब इधर को करके हम पूरा फोल्ड कर लेंगे। अब फिर एक बार और फोल्ड करेंगे ऐसे, बार बार हम यही रिपीट करेंगे। अगर आपको ना पता लगे तो आप इस वीडियो को
स्लो मोड में रख के चला सकते हो या फिर रिवर्स करके देख सकते हो। थोड़ा स्लो कर लें, हम यहाँ पे फास्ट कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है, तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसको। आप धीरे करके वीडियो को देख सकते हो, ऐसे ही करते चले जाना है दोस्तों जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी और वीडियो मिलती रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो ये ऐसे फोल्ड हमें करते ही जाना है। ध्यान रहे कि बाहर ना निकले, हमेशा एक दूसरे के ऊपर टच कर जाए कॉर्नर इसके, साथ साथ में आप इसको दबाते चले जाएंगे तो ये अच्छे से बैठ जाएगा, सही से खुलेगा नहीं। तो ऐसे लीजिए, अब ये है हमारी जो है स्ट्रिप जो है पतली होनी शुरू हो गई, कम चौड़ी होनी शुरू हो गई है। और इसको भी हम ध्यान से जो बीच वाली लाइन है उसको मिला के हम करेंगे, बाहर का छोड़ दें, अंदर वाली जो लाइन है उसको बिल्कुल एक दूसरे से टच करते जाएंगे। तो ये थोड़ा छोटा होता चला जाएगा, ऐसे ही करते जाना है हमें। और एक दो फोल्ड और रह गए हैं हमारे, और ये हो गया ऐसे ही अंदर को टच करते हुए। और ये आ गया हमारा लास्ट एंड इसका, और उसको भी हमने फोल्ड कर लेना है जो बाकी बच गया उसको, उतना जितना बच गया उसको भी हम वैसे ही फोल्ड कर देंगे। तो इसको ख़त्म कर देना है, और हम इसको यहाँ पे ग्लू स्टिक की मदद से चिपका रहे हैं ताकि ये खुले ना। तो बाकी जितना फालतू था उसको काट दिया हमने, और ये हमारा ऐसे कुछ तैयार हो गया है। इसको अगर आप खोल के देखोगे तो ऐसे है। अब हम इसका जो लास्ट एंड है उसको उल्टा उसके अंदर डाल देंगे, ऐसे ही दूसरा, फिर तीसरा और चौथा निकाल के हम उसको पलटाते चले जाएंगे। आप थोड़ा धीरे करके देख लें वीडियो को, आपको समझ आ जाएगा। ऐसे ही हम एंड तक करते रहेंगे। जैसे हमने ये किया था बस उसको पलटा देना है, उल्टा कर देना है, और सभी जो इसके फोल्ड हैं उनको हम ऐसे ही करते चले जाएंगे। तो एंड में यहाँ पे हम आ गए लास्ट एंड इसका जो है, इसको ध्यान से यहाँ पे मोड़ना पड़ेगा और एक दूसरे में फंस जाएंगे ये। तो ये हमारा तैयार हो गया है एक ऐसा पीस, और इसको हम एंटी स्ट्रेस के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं बैठे बैठे इसको घुमाते हुए। और ये बहुत ही अच्छा सा एक फ्लावर बन गया है, ये देखिए। इसके जितने फोल्ड हैं, जितनी बार आप घुमाओगे एक नया डिज़ाइन बनता चला जाएगा। ऐसे ही हमने और भी पीस तैयार कर लेने हैं, या आप इस सिंगल को भी यूज़ कर सकते हो किसी भी तरीके से। एक हाथ से आप ऐसे घुमा के देखो, दो से घुमा के देखो, और ये एक नया डिज़ाइन बन गया, देखिए ट्राइंगल का, ये एक फूल बन गया। आप इसको छोड़ दोगे तो वापस ये अपनी पहली जगह पे आ जाएगा। और हमने कुछ ऐसा इसको आगे तैयार कर लिया है, आप भी इसको कर सकते हो छोटा बड़ा और कलरफुल अलग अलग। तो ये ऐसे डिज़ाइन बन सकते हैं डेकोरेटिव, और भी आप अपना आइडिया इसमें जोड़ सकते हो।